हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का अन अकेडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको मिल सके। आज की क्लास में हम देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बाकी रह गए थे पॉलिटी में। हालांकि वो टाइगर सीरीज वाले टॉपिक नहीं है, वो ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो आरएस में तो आएंगे आएंगे करंट अफेयर्स में, बाकी कॉलेज लेक्चरर वालों के एग्जाम में सीधे सीधे लिखे गए हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल पर। वीडियो को लाइक कीजिए, अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद ओटीपी आ जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट योर गोल। सेलेक्ट योर गोल में स्टेट पीसीएस में आप जो है आपको क्लिक करना है यहाँ पर, ताकि आप आरपीएससी में आप चले जाओ और आरपीएससी के सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, लाइव टेस्ट क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस होता है। फ्री और प्लस में फर्क है कुछ, प्लस पर जुड़ते हैं तो थोड़ा पर्सनल गाइडेंस नोट्स वगैरह आपको अलग से अवेलेबल आपके लिए रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज है एक ही फीस में। रीट का कोर्स है, आरएस का कोर्स है, पटवार का कोर्स है, पुलिस का कोर्स है, ऐसे बहुत सारे कोर्स जो है वो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं जो हूँ वो आरएस प्री और मेंस में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कंटेंट वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके नोट्स से बहुत सारे सवाल सीधे मिलेंगे आपको। मेरी क्लासेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, आपको किसी तरीके की यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें अभी इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है, इसके अलावा हमारी आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसमें आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि कंप्लीट प्री की तैयारी, आरएस की कंप्लीट, मेंस की तैयारी, अभी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अभी मैंने होल्ड पे रखी है, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए। आप देखो कंप्लीट अभी मेंस की जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा सभी टीचर्स के इसमें क्लासेज हैं। इसके अलावा आपका एडमिशन आरपीएससी में होगा, यानी एक ही फीस देकर आप आरएस का कोर्स देख सकते हैं, रीट का कोर्स देख सकते हैं, आप पटवार का देख सकते हैं, पुलिस का देख सकते हैं, जिसकी फीस एक साल की 7,000 रुपये है। इसमें नीचे आपसे कोड पूछा जाएगा, रेफरल कोड, तो रेफरल कोड में आपको पुरोहित 10 कोड जो है PUROHIT10 ये अप्लाई करना है। अप्लाई करने से 7,000 में भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपकी फीस जो हो जाएगी वो 6,300 रुपये में आपको पूरा जो है अवेलेबल रहेगा, यानी सब कुछ है इसमें। देखिए राजस्थान, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जन सूचना पोर्टल के बारे में। कॉलेज लेक्चरर के जो विद्यार्थी हैं, एक मिनट जरा मैं जो हूँ, और लोग कह रहे थे कि सर लाइव आओ, तब एक बार मैसेज कर देना कि लाइव आ गए आप, तो मैं एक बार मैसेज कर देता हूँ कि क्लासेज लाइव चल रही है ना, ताकि उनको मैसेज मिल जाए। तो आप देखोगे कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ये मेंस में भी आपको ई गवर्नेंस में लिखने के लिए काम आए। देखिए पहली चीज तो ये शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, ऑफिशियल जो जन सूचना पोर्टल जब लागू किया गया था, तब तो राजस्थान सरकार ने इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें जन सूचना पोर्टल के बारे में बहुत शानदार शानदार बातें लिखी गई थी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि ऑथेंटिक न्यूज आपके पास में रहे। सबसे पहली बात तो ये जन सूचना पोर्टल है, इसकी थीम देखिए, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। पहला सवाल तो यहां से ही बनता है, पहला सवाल तो यहां से ही बनता है कि जन सूचना पोर्टल की जो थीम है, जो उसका विषय है, जो टेगलाइन है, वो क्या है? सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। पहली चीज तो ये, पहला सवाल तो आपका यहां से बनेगा। दूसरी बात यह है कि जन सूचना पोर्टल जो है, इसको लाया गया तो राजस्थान सरकार ने, किसने लाया? राजस्थान सरकार ने, राजस्थान गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, लेकिन इसका जो नोडल डिपार्टमेंट है वो ये है, ठीक है, नोडल डिपार्टमेंट ये है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं कम्युनिकेशन। राजस्थान का जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है, कौन सा विभाग है, ये भी एक सवाल यहां से बनेगा। सूचना प्रौद्योगिकी एवं जो संचार विभाग है, ये इसका नोडल, नोडल मतलब कि देख रेख करना, इंप्लीमेंट करना, ये सारा जो काम है ये कौन करेगा, कौन करेगा? तो राजस्थान का सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, वो जन सूचना पोर्टल को लागू करेगा। उसके बारे में कौन सी सूचना आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, वो सारा ये काम देखेगा। और इसकी टेगलाइन क्या है? सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। अब देखिए ये जो नमस्कार, ये जो पोर्टल लाया गया था, उसमें आप देखोगे तो राजस्थान सरकार ने ऑफिशियली एक परिपत्र, सर्कुलर ना, एक एक जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन, सॉरी, अधिसूचना जारी की थी।
और इस अधिसूचना में बहुत इंफॉर्मेशन डिटेल जो है जन सूचना पोर्टल के बारे में लिखी गई है, जो शायद आपने इससे पहले ना पढ़ी हो। मैं कोशिश करूंगा कि इसको अच्छे से आपको समझा पाओ। ये पूरा नोटिफिकेशन इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में इसमें समझाऊंगा। पहली बात तो ये है कि इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जन सूचना पोर्टल जो है वो 13/9/2019 से लागू होता है। ये इस नोटिफिकेशन में लिखा है 13 सितंबर 2019 से ये लागू हो रहा है। पहली डेट तो इसमें ये लिखी गई है। अभी ये काम क्या कर रहा है, आप सबको पता है कि जन सूचना, देखो नाम ही देखो, जन सूचना, लोगों को सूचना देनी है। किसकी सूचना देनी है? राजस्थान के जो विभाग है उस पर जो सर्विसेज मिलती हैं, जो सेवाएं मिलती हैं, उनकी सूचना लोगों तक पहुंचाई जाए। तो जब ये आप नोटिफिकेशन पढ़ते हो ना, तो राजस्थान सरकार कहती है कि देखिए, जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 का पारित हुआ था, यानी कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सॉरी क्या बोल रहा, सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीए एक्ट जो पारित हुआ था, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इस 2005 में एक सेक्शन था, 4(2). ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में अभी पूछा जा सकता है। ये जो कॉलेज लेक्चरर वाला है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। उसमें ये लिखा गया है कि देखिए, जब सूचना का अधिकार आया था, तो उसमें एक बात लिखी हुई थी कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सूचना पहुंचे, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सूचना पहुंचे। इसके लिए क्या होगा कि हर एक विभाग में जो आरटीआई ऑफिसर होता है, वो योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रकट करे। प्रकट का करे मतलब कि वो विजिबल करे लोगों के सामने। ये आरटीए एक्ट में लिखा हुआ है, देखिए, इट शैल बी ए कॉन्स्टेंट एंडेवर ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू टेक स्टेप इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लॉज बी ऑफ सब सेक्शन 1 टू प्रोवाइड एज मच इंफॉर्मेशन शो वोटर टू पब्लिक एट रेगुलर इंटरवल थ्रू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग इंटरनेट वगैरह। ये क्या कह रहा है, आरटीए एक्ट का जो सेक्शन नंबर 4(2) है, वो ये कहता है कि भाई जो लोक प्राधिकारी होगा, जो पब्लिक अथॉरिटी होगा, उस वो ये कोशिश करे कि समय समय पर वो इंटरनेट और अन्य माध्यम से जो सूचनाएं हैं जो सरकार की, वो लोगों के सामने स्वत प्रज्ञान या कि स्व मोटर से लोगों के सामने रखे। ऐसा ना हो कि लोग जब सूचना मांगे तभी आप बताओ, आप अपने स्तर पर भी तो सूचना दे सकते हो। तो अशोक जी कह रहे हैं, और ये राजस्थान सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कह रहा है कि हमने जो आरटीआई एक्ट 2005 लाया था, जो सूचना प्रौद्योगिकी, सॉरी, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लाया था, उसके सेक्शन 4(2) को प्रभावी करने के लिए, उसके सेक्शन 4(2) को इंप्लीमेंट करने के लिए राजस्थान सरकार ने 13 सितंबर 13 सितंबर 2019 से जन सूचना पोर्टल लागू किया, जिसका नाम है सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। ये आपको समझ में आएगी नहीं आए, एक बार मैं इन्वर्टर बंद करता हूँ, बहुत आवाज आ रही है। ये आपको समझ में आएगी नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। देखो, ये ऑफिशियली जो है ये नोटिफिकेशन है ना, तो बहुत इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें दूंगा। एक एडवाइजरी बोर्ड भी इसमें बनाया गया है, जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, समझ में आया? ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है कि वाई जन सूचना पोर्टल किसके लिए लाया गया? इन्होंने कहा कि हम आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4(2), आरटीआई सूचना के अधिकार के अधिनियम के सेक्शन 4(2) को प्रभावी करने के लिए हमने जन सूचना पोर्टल लाया है। हमने जन सूचना पोर्टल लाया, कब से लागू किया है? 13/9/2019। अब आपको समझ में आ गया, यानी कि सूचनाएं अधिक से अधिक प्रकाशित करनी है, तो इन्होंने एक वेबसाइट बनाया। इन्होंने क्या बनाया? एक वेबसाइट बनाई है, जिसका नाम है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल। अब ये नोटिफिकेशन आगे क्या कहता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। पहली बात तो इन्होंने ये कही, अब आपसे एग्जामिनर यूं सीधा सवाल पूछ ले कि जन सूचना पोर्टल जो है, जन सूचना पोर्टल वो आरटीआई के कौन से सेक्शन को प्रभावी करने के लिए, कौन से सेक्शन को या आरटीआई की कौन सी धारा को प्रभावी करने के लिए लाया गया है? तो सेक्शन 4(2), ठीक है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 को लागू करने के लिए लाया गया। पहली बात ये, डेट है 13 सितंबर 2019। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर इन्होंने स्पेशल, देखो ये इंग्लिश में भी लिखा है यही वाली बात, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो इन्होंने क्लियरली इसको डिस्क्राइब किया है, सेक्शन 4(2), ठीक है, सेक्शन 4(2) आरटीए सूचना का अधिकार अधिनियम की 4(2) की धारा को प्रभावी करने के लिए हम इसको लेकर आए। अब इसमें और दो तीन बातें लिखी हुई है, इसमें ये लिखी हुई है कि ये जो पूरा जन सूचना पोर्टल है, इसकी देख रेख, इस पर सूचनाओं को लगाना हटाना, ये सारी ये सारा कौन कौन काम करेगा? तो एक नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है।
और नोडल डिपार्टमेंट, ये जो अधिसूचना कहती है कि जो नोडल डिपार्टमेंट है जन सूचना पोर्टल का, वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये देखो, द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विल सर्व एज ए नोडल डिपार्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑपरेशनलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जन सूचना पोर्टल एंड विल हैव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस पर कुछ जिम्मेदारियां होगी। कौन कौन सी जिम्मेदारी होगी? यानी कि देखो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि राजस्थान का जो सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग जो होगा, ये एक नोडल विभाग के रूप में काम करेगा, जिसका काम होगा इस वेबसाइट का, इस पोर्टल का विकास करना, डेवलपमेंट करना, इसको ऑपरेशनलाइजेशन यानी कि इसको क्रियान्वित करना और उसका देख रेख यानी मेंटेनेंस करना, ये इसका काम होगा। तो क्या काम करेगा, उसको क्या जिम्मेदारी दी गई है? तो उसको कुछ जिम्मेदारी दी गई है, जैसे रियल टाइम ट्रांजेक्शन लेवल इंफॉर्मेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस। ये कह रहा है कि राजस्थान सरकार की जो भी सेवाएं जो होती हैं, कितने लोगों को कितना अनाज दिया गया पीडीएस से, है ना, तो रियल टाइम, कि ऐसा नहीं होगा कि उस पर जो डेटा होगा वो आज से 6 महीने पुराना होगा, आज से जो है 12 महीने पुराना होगा, वो नहीं होगा। रियल टाइम डेटा आपको देना पड़ेगा इस पर कि मनरेगा में इतने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, राजस्थान जो भामाशाह बीमा योजना है, जिसका नाम अभी बदल दिया गया, राजीव गांधी महात्मा गांधी स्वास्थ्य जो है वो बीमा योजना, उसमें कितने लोगों को शामिल किया गया है, वो सारा जो है आपको यहाँ पर रियल टाइम बताना पड़ेगा। उससे संबंधित कोई प्रावधान है, उससे संबंधित पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसकी जानकारी, सिटीजन चार्टर ऑफ डिपार्टमेंट्स, राजस्थान के बहुत सारे विभाग हैं, इस बहुत सारे विभाग द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जा रही है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स राजस्थान को क्या दे रहे हैं, बहुत सारी राजस्थान के लोगों को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जैसे राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विद्युत बिल भरने का सर्विस देता है, तो ये सारी जो सर्विसेज होती है, दी जाती है, वो उनके सिटीजन चार्टर में लिखी जाती है। किसमें? सिटीजन चार्टर में, कि हम सिटीजन को कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं। जैसे ये भी लिखा जाता है कि आपका नल बिल इतने दिन में भर दिया जाएगा, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र इतने दिन में बन जाएगा, वो सिटीजन चार्टर है। तो सारे जो राजस्थान के विभाग है उनके सिटीजन चार्टर भी जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे, क्या कहेंगे कि इस पर जो है जन सूचना पोर्टल पर। और इसको लाने की जिम्मेदारी किसके पास में है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के पास में है। तीसरी चीज ये देखो, ये स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर यहाँ से सवाल। इसमें तीसरा लिखा है कि एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, की जो राजस्थान के सभी विभाग है उनकी उनकी एक साल में क्या गतिविधियां हुई है, उनकी वार्षिक जो रिपोर्ट होती है, जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, वो भी आपको प्रकाशित करनी पड़ेगी इस पर, जन सूचना पोर्टल पर। ये ऐसा सवाल कि जन सूचना पोर्टल पर कौन कौन सी सेवा, कौन कौन सी सूचनाएं उपलब्ध है, इस पर रियल टाइम ट्रांजेक्शन लेवल इंफॉर्मेशन ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस, सेवाओं का जो वितरण है उसकी रियल टाइम जो है सारी सेवाओं की जानकारी जो इसमें शामिल की गई है, सभी विभागों के जो सिटीजन चार्टर है, सिटीजन चार्टर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, वो इस पर जो है अवेलेबल होंगे। एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट, जो विभाग है उनकी वार्षिक रिपोर्ट है, वो भी इस वेबसाइट, इस जन सूचना पोर्टल पर उपलब्ध होगी। अभी मैं बताऊंगा। एनी अदर इंफॉर्मेशन एज रिकमेंडेड बाय द जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप, ये देखिए एक वर्ड आ गया, और कोई भी सूचना इस पर अवेलेबल हो सकती है जिसकी सिफारिश किसने की है? जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप। सर ये क्या होता है? देखिए ऑफिशियल उस अधिसूचना में लिखा हुआ है जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप, अभी मैं बताऊंगा। जन सूचना सलाहकारी जो दल होगा, अगर वो किसी प्रकार की और सूचना डालना चाहता है तो डाल सकता है। एक तो ये इनको जिम्मेदारी दी गई है, नोडल डिपार्टमेंट किसको इसको दी गई है कि ये जन सूचना पोर्टल पर ये सारी जानकारी आएगी। इसके अलावा क्या है, एंडेवर दैट डेटा एंट्री बीइंग टेकन बाय बाय लाइन द डिपार्टमेंट टेक प्लेस इन द लोकल लैंग्वेज। कोशिश ये की जाएगी कि जो राजस्थान के सभी विभाग है वो डेटा लोकल लैंग्वेज में उपलब्ध करवाए। किसमें उपलब्ध करवाए? जो उनकी स्थानीय भाषा है। कोशिश की जाएगी कि जैसे अगर जैसलमेर की ग्राम पंचायत अगर वहां का डेटा उपलब्ध करवा रही है कि हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत से इतने इतने मनरेगा में लोगों को शामिल किया गया है, तो कोशिश कीजिए कि वो जो भाषा होगी वो कौन सी होगी, स्थानीय भाषा होगी, ठीक है। ये भी देख रेख कौन करेगी? तो नोडल डिपार्टमेंट ये देख रेख करने वाला। इसके अलावा एक मजेदार चीज देखिए यहाँ क्या लिखी है, डिप्लॉय मेंटेन एंड ओवरसी द फंक्शनिंग ऑफ जन सूचना कियोस्क इन ग्राम पंचायत एंड वार्ड ऑफ द स्टेट विच विल प्रोवाइड ओपन यूनिवर्सल एंड फ्री एक्सेस टू सिटीजन। इन्होंने ये कहा है इस अधिसूचना में कि हर एक जो राजस्थान की ग्राम पंचायत और ब्लॉक होगा,
वहां पर जो ई मित्र कियोस्क होंगे, अभी मैं बताऊंगा ई मित्र कियोस्कों को बहुत सारी जानकारी दी गई है, तो ई मित्र कियोस्क जो होंगे वो एक जन सूचना कियोस्क के रूप में काम करेंगे। अब कैसे, मान लीजिए ये पोर्टल तो उपलब्ध है, इस पोर्टल पर तो जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जन सूचना पोर्टल पर, लेकिन गांव में हमारा पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है, ठीक है, उसको पता नहीं है वेबसाइट कैसे यूज करनी है, तो अगर उसको किसी प्रकार की सूचना चाहिए तो वो गांव में जो जन सूच जो अपना ई मित्र होता है ना, ई मित्र, इन ई मित्रों को जन सूचना कियोस्क का दर्जा दिया गया है, और ये ई मित्र कियोस्क जो ग्राम पंचायत और वार्ड के अधीन होते हैं, ये लोगों को खुली सार्वभौमिक और फ्री में सूचनाएं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो कह रहा है कि देखिए मेरा भामाशाह में नाम आया है कि नहीं आया है, जन सूचना पोर्टल पर जाकर एक बार देख लीजिए, तो वो ई मित्र कियोस्क वाला होगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि इसके मैं 10 रुपए लूंगा, समझ में आ रहा है, ये फ्री में होगा, फ्री में होगा, यानी कि जन सूचना कियोस्क भी इसमें स्थापित करने की बात की गई है। तो यहां तक आपको समझ में आया, ये ऑफिशियली जो जन सूचना पोर्टल के बारे में लिखा हुआ है। अब इसमें एक लिखा हुआ है जन सूचना एडवाइजरी, ये देखो यहाँ पर देखो इनको दिया गया, इन ऑर्डर टू इंश्योर द जन सूचना कियोस्क, ये देखो यहाँ पर इन्होंने ई मित्रा है ना, ई मित्रा जो है, ई मित्रा वो जो है उसको पूरा काम दिया गया है, ये जन सूचना क्या कहेंगे कि कियोस्क के रूप में काम करेगा। अब इसके अधीन देखो क्या होगा कि अगर किसी कोई लोग अगर शिकायत करते हैं कि भाई ई मित्र कियोस्क के पास में गया था जन सूचना पोर्टल की सूचना लेने के लिए, लेकिन ई मित्र वाले ने तो मेरे से पैसा ले लिया है, ई मित्र वाले ने जो है मुझसे सूचना नहीं दी है, तो अगर किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो शिकायत की सूचना कहाँ की जाए, तो ये अधिसूचना जो है जन सूचना पोर्टल की स्पेशल रूप से कहती है कि हरेक स्तर पर जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होंगे, यानी कि शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, और सिवा शिकायत निवारण जो ये अधिकारी होंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल जो ऑफिसर होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे, एक तो आपके देखो ब्लॉक स्तर पर कहाँ पर होंगे, तो पंचायत समिति स्तर पर होंगे, एक तो होंगे आपके पंचायत समिति स्तर पर, एक यहाँ पर आपका अधिकारी होगा शिकायत निवारण अधिकारी, जन सूचना का शिकायत निवारण अधिकारी, एक होगा आपका जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर, और एक आपका जो होगा राज्य स्तर पर, कि अगर ई मित्र कियोस्क के अगेंस्ट में कोई शिकायत मिलती है जन सूचना पोर्टल के बारे में, तो ये शिकायत कौन कौन सी मिल सकती है, देखो ये शिकायत, अच्छा इनके पास कौन कौन सी शिकायतें आएगी, देखो इनके पास शिकायतें आएगी जैसे डिफिकल्टीज इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन होस्टेड इन जन सूचना पोर्टल, अगर जन सूचना पोर्टल पर किसी भी प्रकार की सूचना जो है उसको प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है, और ई मित्रा में जिसको ई मिस्त्री कहा गया है, ई मित्रा में जो काम करने वाले उसको क्या कहेंगे, ई मिस्त्री कहा गया है, अगर ये ई मिस्त्री अगर अगर जो है आपको सूचना देने में किसी प्रकार की कठिनाई पैदा करता है, तो आप पंचायत समिति स्तर पर आपके गांव से, आपके गांव में ई मित्र होगा ब्लॉक स्तर में, ठीक है, आपके गांव में जो है और वार्ड में ई मित्र होंगे, अगर वो ई मित्र अधिकारी आपको जो है सूचना देने में किसी प्रकार की कठिनाइयां पैदा करता है, तो आप ब्लॉक स्तर पर जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं, फिर ब्लॉक से जिला स्तर और जिला स्तर से राज्य स्तर पर जा सकते हैं। दूसरा, फंक्शनिंग ऑफ जन सूचना कियोस्क, अगर जन सूचना जो कियोस्क होंगे अगर उसको अगर किसी प्रकार से यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यूज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, और फंक्शनिंग ऑफ ई मिस्त्री अगर आपसे किसी प्रकार की ये फ्री में सूचना देगा, लेकिन अगर किसी प्रकार का पैसा वैसा लेता है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको पूछी जा सकती है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं है ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें एक और अच्छी चीज रखी गई है, इसमें एक अच्छी चीज ये रखी गई है, देखो इसमें ये जो पूरा पोर्टल है इसकी निगरानी रखने के लिए, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, इसमें लिखा हुआ है कि एक जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप, यानी कि जन सूचना सलाहकारी ग्रुप की जो है इसको नियुक्त किया जाएगा, और इस अधिसूचना में स्पेशल रूप से लिखा हुआ है कि ये जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप होगा, जो जन सूचना सलाहकारी ग्रुप होगा इसमें टोटल 5 मेंबर होंगे, आप देखोगे तो 1 2 3 4 सॉरी 3 4 क्या आ गया, 1 2 3 4 ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, 5 6 और 7 मेंबर होंगे, सॉरी इसमें टोटल कितने होंगे, 7 मेंबर होंगे, और इस जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप जो होगा, ये जन सूचना सलाहकारी ग्रुप होगा, इसका जो चेयरपर्सन होगा, ये भी आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है, आपके जो कॉलेज लेक्चरर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके तो विशेष रूप से एग्जाम उनके सिलेबस में लिखा हुआ है जन सूचना पोर्टल, क्या लिखा है, जन सूचना पोर्टल, तो
आपके लिए तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसा सवाल पूछ लिया कि जन सूचना सलाहकारी जो ग्रुप होता है उसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष होंगे द स्पेशल सेक्रेटरी एंड कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन शैल बी द चेयर पर्सन ऑफ द जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप, कि जो हमारा सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग है उसके विशेष जो सचिव होंगे और कमिश्नर जो होंगे वो इसके क्या होंगे, इसके अध्यक्ष होंगे, किसके अध्यक्ष होंगे, जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप के बारे में। ये क्या काम करेगा तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये अगर ऑफिशियली जो इसकी नोटिफिकेशन आई थी राजस्थान सरकार की, वो सबको क्लियर है जन सूचना पोर्टल के बारे में, अगर आए एक बेसिक रूप में, अभी मैं बताऊंगा कि इस पर कितनी सूचनाएं उपलब्ध है, लेकिन ये आपको समझ में आया जन सूचना पोर्टल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जन सूचना पोर्टल 2019 में लाया गया, जिसकी टेगलाइन क्या है, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, पहला सवाल तो ये। दूसरा दूसरा ये है कि इसका नोडल डिपार्टमेंट क्या है, इसका नोडल डिपार्टमेंट जो होगा, जो देख रेख करेगा वो कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राजस्थान सरकार का है, ये इसका नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। जन सूचना पोर्टल को क्यों लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, जिसकी धारा 4(2) है कि एक पब्लिक अथॉरिटी, एक जो अधिकारी होगा उसका काम होगा कि वो सरकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे, तो इसको लागू करने के लिए जो है इस जन सूचना पोर्टल को लाया गया, जन सूचना पोर्टल को लाया गया। दूसरी बात ये लिखी गई कि जन सूचना पोर्टल में जो नोडल डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं कम्युनिकेशन। इसको क्या काम दिया गया है, यही जन सूचना पोर्टल का विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उसको क्रियान्वित करेगा और उसको मेंटेनेंस भी करेगा, उसको मेंटेन भी करेगा, ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और है, उसको मेंटेन भी करेगा। इसके अलावा क्या करेगा, इस जन सूचना पोर्टल पर कौन कौन सी सूचनाएं होगी, तो जन सूचना पोर्टल पर सूचनाएं होगी जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उसको रियल टाइम सेवाओं के आधार पर लाया जाएगा। सिटीजन चार्टर जो हमारे विभाग है उनमें जो सिटीजन चार्टर होते हैं उनकी जानकारी जन सूचना पोर्टल पर होगी। जो विभागों की वार्षिक रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट्स जो होती है, वो जन सूचना पोर्टल पर होगी, या ऐसी कोई भी सूचना जन सूचना पोर्टल पर आ सकती है जिसको जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप या जन सूचना सलाहकारी दल द्वारा अगर कहा गया है कि ये भी सूचना अगर आपको डालनी है तो वो भी आ सकती है। कोशिश की जाएगी कि स्थानीय भाषा में सूचना हो। इसके अलावा इसके अंतर्गत हर हर जिले में जो ग्राम पंचायतें और वार्ड में एक जन सूचना कियोस्क की स्थापना की गई है, और ये जन सूचना कियोस्क जो होंगे वो ई मित्रा होंगे, और ई मित्रा में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं ई मिस्त्री, तो ई मिस्त्री जो है होगा, अगर जन सूचना पोर्टल से कोई सूचना मांगने के लिए आता है तो उसको फ्री में सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, फ्री में सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा ई मित्र वाला, ठीक है। लेकिन अगर ई मित्र के अगेंस्ट में किसी प्रकार की शिकायत आती है कि वो जन सूचना पोर्टल से शिकायत जो है सूचनाएं लोगों को नहीं दे रहा है, तो उसमें क्या किया है कि उसमें पंचायत समिति यानी कि आपका ब्लॉक लेवल, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल और आपके स्टेट लेवल पर क्या किया गया है, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर यानी कि शिकायत निवारण जो अधिकारी है उनको नियुक्त किया गया है। इनके पास अगर शिकायत जाएगी तो वो कौन सी शिकायत जा सकती है, डिफिकल्टीज इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन होस्टेड ऑन जेएसपी के जन सूचना पोर्टल पर किसी प्रकार की जो सूचना है उसको प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, पहली सूचना तो ये। दूसरा, जन सूचना जो कियोस्क है उसको यूज करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो, और जो ई मिस्त्री होता है, ई मित्र वाला अगर वो किसी प्रकार की धोखाधड़ी करता है, आपसे रुपया पैसा मांगता है, तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अधीन एक जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप, जन सूचना सलाहकारी ग्रुप जो है इसको नियुक्त किया गया है, जिसको काम दिए गए हैं कि सभी, ये जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप का काम क्या है कि सभी जो डिपार्टमेंट होती है उनकी वेबसाइट को डिजिटल वे में लाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो सूचना मिले, ठीक है ना, जो है रिकॉर्ड्स को ढंग से वहां पर पेश करना, वो सारी बातें, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये जो जन सूचना आपका सलाहकारी ग्रुप होगा उसमें टोटल 7 मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, 7 मेंबर होंगे, और 7 मेंबर में इसका जन सूचना सलाहकारी ग्रुप का अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष होगा द स्पेशल सेक्रेटरी एंड कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम देने के लिए अगर आपसे सीधा सवाल पूछ लिया कि जन सूचना पोर्टल में एक सलाहकारी ग्रुप होगा, उस सलाहकारी ग्रुप के अध्यक्ष कौन होंगे, जन सूचना पोर्टल के सलाहकारी ग्रुप के अध्यक्ष कौन होंगे, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसके लिए ओरिजिनल चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि आरपीएससी के पास में किसी के नोट्स नहीं, इसलिए ऑफिशियल चीजें को लेकर आता हूँ। अब देखिए ये सारी चीजें तो यहाँ पर लिखी हुई है, अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि जन सूचना जो एडवाइजरी ग्रुप होगा
उसको 2 महीने में कम से कम एक मीटिंग तो करनी होगी, ये भी लिखा हुआ है कि कम से कम जो होंगे उनको 2 महीने में एक मीटिंग, द जन सूचना एडवाइजरी ग्रुप विल मीट एटलीस्ट वंस इन 2 मंथ्स, ठीक है। ये बैठक जयपुर में होगी या जयपुर के अदर किसी दूसरी लोकेशन में भी हो सकती है, ठीक है, वहां पर भी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हर 2 महीने में एक बार इनकी मीटिंग होनी होनी है। अब देखिए, अगर अगर आप, अब मैं आपके सामने, पहले तो मैं अभी जो नया इकोनॉमिक सर्वे आया है इससे भी मैं आपको थोड़ा, उसमें भी जन सूचना पोर्टल का अच्छा खासा उल्लेख किया गया है। तो अगर आरपीएससी अगर यहाँ से सवाल निकालती है स्टेटमेंट वाइज तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, अभी जो राजस्थान का नया, अभी तो मैंने ऑफिशियल आपको वो पढ़ा दिया नोटिफिकेशन, हम जो सूचना पोर्टल के बारे में एक और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट राजस्थान सरकार का, वो है राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे। राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में जन सूचना पोर्टल के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो इन्होंने लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू द सिटीजन इन एन एक्सेसिबल ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल मैनर। क्या लिखा है, नागरिकों को सरकारी सेवाओं की जानकारी सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के लिए और वर्तमान में संबंधित विभाग से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक पोर्टल विकसित किया गया है। और ये राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे ये कह रहा है कि जो ये जन सूचना पोर्टल जो 13 सितंबर, 13/9, 13 सितंबर 2019 से लागू हुआ है, जिसकी थीम क्या है मैंने आपको बताया है, जिसकी थीम, उसमें इन्होंने लिखा है कि 55 विभागों की, इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है कि 55 विभागों की, राजस्थान के 55 विभागों की जो 99 योजनाएं हैं, 99 योजनाएं, इन 99 योजनाओं की 277 जो सेवाएं हैं, जो जानकारियां हैं, जो सर्विसेज है, ठीक है, डिपार्टमेंट कितने हैं, अभी मैं आपको और थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करूंगा, डिपार्टमेंट कितने हैं, विभाग कितने हैं, 55, 55 विभागों की 99 स्कीम्स, ठीक है, 99 योजनाओं की 277 सेवाओं को शामिल किया है। ये राजस्थान सरकार का इकोनॉमिक सर्वे जो अभी लेटेस्ट आया है वो बता रहा है। लेकिन आपको एक चीज और मैं बता दूं, ये तो इकोनॉमिक सर्वे से अगर सवाल पूछा जाता है कि भी फरवरी तक, तब तो आपको ये ध्यान में रखना है 55 99 277, ठीक है, 55 99 277 है, ये 277 है, ठीक है, 277 है, 55 99 277। लेकिन लेकिन और मैं अपडेट कर दूं कि अभी अगर आप ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पर जाओ ना, जन सूचना पोर्टल की, देखो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलूंगा आपको, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो अभी अपडेट हो गया ये, जब इकोनॉमिक सर्वे बना था। अब देखो अभी आपको दिखाया गया, यहाँ देख रहे, देखो कितनी दिख रहा है, 70, कितने डिपार्टमेंट है अगर आपको दिख रहा हो तो, 70 विभाग की 137 योजनाओं की 359 सेवाओं को शामिल किया। हर दिन इसमें ये बढ़ती जाती है, हर दिन इसमें बढ़ती जाती है। अब ये तो थोड़ा दुविधा वाला खेल हो जाएगा कि कौन सी पूछी जाएगी कौन सी नहीं पूछी जाएगी। तो अब तो ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी डेट को लेकर मेंशन करता है। मैं ये कहूंगा कि आपको अभी ये कल नहीं तो परसों, नहीं तो 2-4 सूचनाएं अगर बढ़ गई तो ये बढ़ जाएगा। अभी अगर इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे जाओगे तो ये लिखेगा, देखो 70 विभाग की 137 योजनाओं की 359 सेवाओं को शामिल किया गया है ना, जन सूचना पोर्टल की। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, मुझे लगता है कि आपको ध्यान सर्वे का रखना है, क्योंकि ये तो कोई अंत नहीं है, अब 2 दिन बाद में फिर सेवाएं शामिल कर दी जाएगी, ये तो कोई अंत नहीं है, एग्जामिनर कब सब पूछे। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो आपसे पूछ ले राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण को कोट करके, ठीक है, अगर कोट कर ले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये ध्यान में रखना है, 200 कितनी है, 55 विभागों की 99 योजनाओं के 277 सेवाओं को शामिल किया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है, मुझे लगता है कि कॉलेज लेक्चरर वालों को पहला एग्जाम ये तैयार, पहला ये ध्यान में रखना चाहिए, जन सूचना पोर्टल की थीम क्या है, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान, पहला सवाल आपका यही आ सकता है, पहला सवाल तो आपका यही आ सकता है, ठीक है। तो जन सूचना पोर्टल के बारे में जो भी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया नहीं लगने वाला है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया नहीं लगने वाला है। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, जल्दी हम बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, ठीक है। तो क्लियर है ये, अभी क्या इंटरव्यू थोड़ा हो रहा है ना, तो मैं थोड़ा अभी खुद के लिए भी थोड़ा इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना शुरू कर दिया है, ये इतने समय से पढ़ नहीं पा रहा था तो अभी थोड़ा पढ़ना शुरू किया है मैंने, थोड़ा है ना। हाँ ये भागीरथ हो सकता है, ये एक अच्छा सवाल अभी मेरे मन में ये आया था कि जब ये जन सूचना पोर्टल जब ये लागू हुआ था, जन सूचना पोर्टल लागू हुआ था, जन सूचना पोर्टल जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था आप देखो तो 13 सितंबर 2019,
13 सितंबर 2019 को जब ये जन सूचना पोर्टल जिस दिन लॉन्च हुआ था उस समय कितनी जो है इस पर सेवा थी कितनी। तो आप एक काम कीजिएगा, आप जो है सीधा जाइए गूगल में, अभी मैं लेके चलता हूँ क्योंकि उस समय तो मैंने भी अपडेट नहीं किया है कि कितनी है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, अभी लेके चलता हूँ। ये देख लेते हैं यहीं पर ही। ना ये रहा 13 सितंबर 2019 का, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का ये लिखा हुआ है, जन सूचना पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13 सितंबर को लॉन्च हुआ था, वो तो ठीक है, आरटीआई एक्ट ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। एक मिनट में बता देता हूँ कितने विभागों की कितनी सेवा उस समय जब लॉन्च हुआ था तब। हाँ लॉन्च हुआ था तब, राजस्थान सरकार ने तो बकायदा इसको क्लेम भी किया था। 13 विभागों की 23 सेवाएं थी, देख लेते हैं एक बार, है ना, देख लेते हैं कितनी थी। ये उस दिन सेरेमनी थी, अः यहाँ पर तो नहीं लिखी हुई है। ये सतत विकास लक्ष्य को भी ये जो है आगे बढ़ाता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देने की दिशा में काम किया जा रहा है। ये दृष्टि की वेबसाइट पे अवेलेबल है कि नहीं, एक मिनट, किस पे? हाँ ये रहा, 13 विभाग लिखे हुई है, 13 विभाग लिखे हुए हैं, सूचना तो नहीं लिखी हुई है। 13 विभाग जब लागू हुआ था तो उस समय 13 विभागों की लगभग सूचना जो थी, देख लीजिएगा, 13 विभाग थे जब था, जब पहली बार आया था तब 13 विभाग थे, जब पहली बार आया था तब 13 विभाग थे। आपका भी आरएस इंटरव्यू बहुत खुशी की बात है, उस समय 13 विभाग थे, और 13 विभाग थे और सेवाएं देख लीजिएगा जब आया था तब। एक मिनट, हाँ वापस एक बार देख लेता हूँ। द हिंदू कह रहा है कि उस समय जब आया था 13 विभागों की 32 सेवाओं को, 13 विभागों की, ये रहा 32, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है। ऑन सितंबर 13 द राजस्थान गवर्नमेंट लॉन्च द जन सूचना अ सिंगल विंडो पोर्टल होस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस ऑन डिफरेंट 32 स्कीम्स ऑफ 13 डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जब ये लागू हुआ था, जब ये लागू हुआ था जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को जब ये लागू हुआ था तब ये कह रहा है कि भाई 13 विभागों की 32 सेवाओं को, ठीक है, 13 विभाग जो थे जब ये लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 13 सितंबर को 2019 को, तो 13 विभागों की 32 सेवाओं को, 32 सेवाओं को शामिल किया गया था, ठीक है, सेवाओं को शामिल किया गया था। लेकिन अभी आप देखोगे, अभी राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है इस साल का, वो कह रहा है कि 55 विभागों की 55 जो डिपार्टमेंट्स है उसकी 99 योजनाओं को शामिल किया गया है और 277 सेवाएं हैं इनको शामिल किया गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अभी वर्तमान में ये है, और अभी आपकी करंट उनकी वेबसाइट पर जाओगे तो वो अलग ही मिलेगा। मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशियंट है। एक तो पहली वाली ध्यान में रखना जब लागू हुआ था तब, और एक अब वाली ध्यान में रखना जो इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 योजना है, ठीक है, 55 99 277। तो जन सूचना पोर्टल क्लियर है, ऑफिशियल अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ा है स्टार्ट से, ठीक है, जन सूचना पोर्टल पढ़ा रहा हूँ, जन कल्याण पोर्टल नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जन सूचना पोर्टल पढ़ा रहा हूँ मैं, ये क्लियर है। जन सूचना पोर्टल के बारे में अगर आए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से यहाँ तक तो सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पूरा एडवाइजरी ग्रुप वगैरह आपसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है ना, जन सूचना पोर्टल के बारे में आए तो। कल फिर मैं यहाँ पर आऊँगा क्लास लेने के लिए, अभी एक मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा बाहर, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल नहीं, कल क्लास नहीं होगी, परसों होगी, उसमें राजस्थान जो है संपर्क पोर्टल, और राजस्थान संपर्क पोर्टल के साथ में एक और टॉपिक है आपका जिसमें वो जो है राजस्थान जो है वो फ्री डिलीवरी जो सर्विस वाला एक्ट है आपके सिलेबस में लिखा है, उन दोनों को एक साथ में मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, कल की, कल नहीं परसों की क्लास में।
आज 7:30 बजे जो है आज हम मिलेंगे राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे के साथ में, और 9 बजे आज प्लस पर 100% क्लास होगी, तो 9 बजे आज प्लस पर मिलेंगे इंडियन इकोनॉमी के साथ में। आप सभी का धन्यवाद जो लोग जुड़ने के इच्छुक हैं। आपकी देखिए कंप्लीट यहाँ पर क्लासेस जो हो रही है, कंप्लीट फीस जो है वो 1 साल की 7,000 रुपये है, ठीक है। हाँ, आरटीआई को ध्यान में रखते हुए, आरटीआई को ध्यान में रखते ही जो है ये रमेश बुरा पोर्टल जो है वो शुरू हुआ है, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4(2) को लागू करने के लिए, ठीक है। हमने पढ़ा है आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4(2) को लागू करने के लिए शुरू किया गया है, तो ये आप जुड़ सकते हैं। दिस इज माई कोड PRUIT10, इस कोड को अप्लाई करना है। इस तरीके का गिफ्ट बॉक्स होगा, खाली बॉक्स होगा, रेफरल कोड में आपको लिखना है और इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 7,000 फीस की आपकी 6,300 रुपये में अवेलेबल हो जाएगी, और इसमें कंप्लीट आपका सब कुछ है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मेरे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का, और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं तो अपन क्लास की समाप्ति करते हैं। ऐसा इसमें कोई डाउट जैसा तो कुछ लगता है नहीं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।